नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC Solutions with अनुज। आज हम भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे और जो वायसराय थे उनके बारे में पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आज का कोट, वो क्या है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पीठ हमेशा क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक्स की तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर व वॉइसरॉय, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, भारत के फर्स्ट गवर्नर एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। क्या याद रखनी है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट से क्या हो जाएगा आपका, रॉबर्ट से हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट से क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, जो कि बंगाल के क्या थे, प्रथम गवर्नर थे। क्या याद रखना है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट से क्या हो जाएगा आपका, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, उसके बाद हैसे हो जाएगा हेस्टिंग। हैसे क्या हो जाएगा, हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था इनका पूरा, वॉरेन हेस्टिंग। ये क्या थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद विलियम से क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था, और के से हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि क्या था, भारत का पहला वॉइसरॉय था। ठीक है, क्या ट्रिक थी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ठीक है, मौसी से क्या हो जाएगा, माउंट। क्या था, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। मौसी से क्या हो जाएगा, मौस से हो जाएगा माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, और सी से हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी। क्या हो जाएगा, सी राजा गोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं, ये पूछे भी जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद प्रमुख गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय, चीफ गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आप याद रख लें कि पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, पहला पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और अंतिम पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग। कैसे याद रख लो, दोनों को चाहे एक साथ याद रख लो, रो याद रख लो, रो होती है ना रो, तो आर से क्या हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, दोनों कहाँ के, बंगाल के। ठीक है, उसके बाद आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद आता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम कौन था, विलियम बेंटिक, जिसको बैन कर दिया गया वो विलियम बेंटिक, और वो क्या था, लास्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक है, उसके बाद आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 पहले वॉइसरॉय, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, और पहला क्या था, वॉइसरॉय था। ठीक है, देखो यहाँ लिख रखा है कि फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आता है भारत का जो है लास्ट वॉइसरॉय कौन था, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन था, लास्ट वॉइसरॉय। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, देखो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इंडियन की बात की जाएगी तो कौन थे, सी राजागोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजागोपालाचारी। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सी राजागोपालाचारी। ठीक है, ये हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।